दिनांक 17/18 की रात थाना मुरादनगर कमशेड गाजियाबाद में एक लूट की घटना कारित हुई थी। इस संदर्भ में थाना मुरादनगर में सुसंगत धारा में मुकदमा अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। इसमें मुझ एसपी द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा आज दिन में ही इस घटना से संबंधित दो अभियुक्तों, जिसमें एक का नाम शुएब एवं दूसरे का नाम फैजान है, गिरफ्तार किए गए। उनके पास से एक अदद लूटा गया मोबाइल एवं कुछ पैसे बरामद किए गए। आगे आज शाम को बम्बर रोड थाना मुरादनगर में पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक संदिग्ध वाहन पुलिस टीम को आते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उस वाहन को रुकने का इशारा किया। संदिग्ध वाहन में जो बदमाश बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी को तेज भगाया। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस को लक्ष्य करते हुए फायर किया गया, जिसमें एक उपनिरीक्षक के हाथ में गोली छूती हुई निकल गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा जब बदमाशों से पूछताछ की गई, इसमें एक ने अपना नाम फैसल और दूसरे ने अपना नाम रिहान बताया। फैसल पर लूट सहित 7 मुकदमे पंजीकृत हैं ऑलरेडी, एवं रिहान पर लूट सहित 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मजरूह को CSC मुरादनगर भेज दिया गया है। मजरूह के पास से एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर गाड़ी बरामद हुई है, जिसका कनेक्शन मिरर से हुआ है। इसके अलावा 2 देसी तमंचे बरामद हुए हैं, 3 खोखा कारतूस एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2700 रुपये जो कि लूट में उन्होंने लूटे थे, वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा अभियुक्तों द्वारा ये भी कबूला है कि जो थाना मुरादनगर पाइपलाइन में 9/5/2024 को एक चेन स्नेच की घटना हुई थी, वो भी इनके द्वारा की गई थी। इस संदर्भ में अभियुक्तों के पास से एक पीली धातु की चेन भी बरामद हुई है। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।